नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम टाटा स्टील शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। उसके साथ इस स्टॉक का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा आया है एंड रिजल्ट आ जाने के बाद किस टाइप का प्राइस एक्शन बन सकता है, डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, टाटा स्टील का Q4 रिजल्ट जो नेट प्रॉफिट है ना, वो डाउन हुआ है अराउंड 84% के आसपास है। उसका मेन रीजन है फॉलिंग डिमांड इन यूरोप एंड वीक स्टील प्राइस, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ट्रेड जो एक्सपेक्ट कर रहा था एंड जो एस्टिमेट कर रहा था उसको बीट किया है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कैसे, पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं, उसके बाद प्राइस स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्राइस में किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो सीड ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है क्वार्टर 4 FY23 वर्सेस क्वार्टर 4 FY22 का कंपैरिजन। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड ईबीटा में क्या डिफरेंस है। ओके, देखिए यहाँ पे क्वार्टर 4 2022 में यहाँ पे प्रॉफिट था 9835 एंड क्वार्टर 4 FY23 में अभी प्रॉफिट आया है 1566, जो कि अराउंड डाउन है 84% का। रेवेन्यू में भी 10% के आसपास डाउन है, ईबीटा में भी 52% डाउन है, मार्जिन भी यहाँ पे डाउन है। अगर आप यहाँ पे इस रिजल्ट को देखेंगे, आपको लगेगा तो सारा रिजल्ट खराब है, एक्चुअल भी खराब है, लेकिन यहाँ पे जो एस्टिमेट था ना, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको आउट परफॉर्म किया है। कैसे, तो उसी सीट को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो सीट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है मार्केट का एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मतलब कितना डिलीवर किया है टाटा स्टील। देखिए, मार्केट यहाँ पे क्वार्टर फोर में एक्सपेक्ट कर रहा था नेट प्रॉफिट 873 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे स्टॉक डिलीवर किया है प्रॉफिट 1566 करोड़ का, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी 80% ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट था, अराउंड 58,000 के आसपास, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने डिलीवर किया है 63,000 के आसपास, जो कि 7% के आसपास ऑफ है। इबिटा भी यहाँ पे 25% के आसपास है, ऑफ है एंड यहाँ पे मार्जिन भी यहाँ पे ऑफ है। अगर आप एस्टिमेट देखेंगे ना, स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसी हिसाब से यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है टाटा स्टील का रिजल्ट। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, जिसकी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट यहां पे इस रिजल्ट को पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। और एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इस स्टॉक ने आज 3.6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है टाटा स्टील का एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस देखिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यहाँ पे जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे टॉप बन जाने के बाद एक डाउन ट्रेंड चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है एंड हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि स्टॉक का प्राइस जिस भी डायरेक्शन जाएगा वहाँ पे हमेशा एक चैनल को फॉलो करेगा। अगर डाउन ट्रेंड में जाएगा, एक डाउन ट्रेंड चैनल बनाएगा, अगर फ्लैट में कंसोलिडेशन करेगा, एक फ्लैट चैनल बनाएगा, अगर अप ट्रेंड में जाएगा वहाँ पे एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो करेगा एंड इस स्टॉक का प्राइस एक अप ट्रेंड जाने के बाद यहाँ पे खुद को रिफुलिंग कर रहा था एंड अभी भी कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, चैनल का अपर बाउंड्री को ऑलरेडी 3 times टेस्ट कर चुका है। आज पर द गन रूल, अगर प्राइस कभी भी किसी भी बाउंड्री को 4 times अटेम्प्ट करता है ना, मैक्सिमम टाइम वो बाउंड्री ब्रेक कर लेता है एंड देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 times ब्रेक कर चुका है। अगर इस टाइप प्राइस इसको टेस्ट करेगा तो यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आ सकता है। देखिए, जिस टाइप का अभी रिजल्ट देखने को मिला है, जिस टाइप का स्ट्रेट को यहाँ पे बीट किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर इस बार प्राइस सस्टेन कर लेता है रिजल्ट आ जाने के बाद, कल का प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव क्लोज कर लेता है तो हाई प्रोबेबिलिटी बन गया कि इस टाइम प्राइस इस चैनल को ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे नेट डेप्थ में भी डाउन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे स्टॉक ने 3.6 रुपीज के आसपास डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी हाई है इस बार यहाँ पे प्राइस इस चैनल को ब्रेक कर सकता है। उसके साथ देखिए, प्राइस यहाँ पे बना रहा है एक कॉप आना हैंडल पैटर्न, अगर आप इसको कॉप मानेंगे एंड ये हो जाएगा उसका हैंडल। जैसे ही प्राइस यहाँ पे जो स्विंग हाई बना है ना, इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा, उसके बाद एक कॉप आना हैंडल पैटर्न बन जाएगा एंड इस कॉप आना हैंडल पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा जब इस नेकलाइन को यहाँ पे जो स्विंग हाई बना है ना उसको ब्रेक कर देगा। उससे पहले हम यहाँ पे वाटर टेस्ट क्वांटिटी ले सकते हैं इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस देने के साथ, क्योंकि अभी तक तो पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर कल यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाता है इस स्टॉक में तो यहाँ पे हम वाटर टेस्ट क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर क्वांटिटी ऐड होगा जो प्राइस यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक कर देगा, जो उसका
हैंडल का नेकलाइन बन रहा है स्विंग हाई के ऊपर, तब तक हमको ऑर्डर टेस्ट क्वांटिटी के साथ चलना है। उसके साथ डिविडेंड भी हमको यहाँ पे 3.6 रुपीज का मिल जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार प्राइस इस अपर बाउंड्री को ब्रेक कर सकता है एंड इस चैनल को ब्रेक करके जैसे ही इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करेगा, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट बनेगा इस हाई, यहाँ पे जो स्विंग हाई बना था लेटेस्ट 150 के आसपास, इस टारगेट को टच कर सकता है। उसके साथ अगर मैं यहाँ पे रेशियो चार्ट दिखाऊंगा टाटा स्टील वर्सेस निफ्टी का, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे अगर रेंज को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे भी रेशियो चार्ट में हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट में ओपन किया हूँ, टाटा स्टील वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट, प्राइस देखिए यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है। जब तक प्राइस इस चैनल से नहीं निकलता है तब तक टाटा स्टील निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन जब टाटा स्टील वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा ना, उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि टाटा स्टील निफ्टी को आउट परफॉर्म कर लेगा, जो कि टाटा स्टील के लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगा। अगर हम सिर्फ रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, लेकिन अगर हम एस्टिमेट देखेंगे मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस हिसाब से तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। शायद इस रिजल्ट को कल मार्केट वेलकम कर सकता है। अगर मार्केट इस रिजल्ट को वेलकम करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी की आने वाले टाइम में टाटा स्टील में जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा है उस चैनल को इस बार ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि चैनल के अंदर ही प्राइस ने बना रहा है कॉप एंड हैंडल पैटर्न। तो जैसे ही कॉप एंड हैंडल पैटर्न को प्राइस ब्रेक कर देगा एंड उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो यहां से हम एक बार अप मूव दे सकते हैं। जैसे कि पहला टारगेट रहेगा 150 का, सेकंड टारगेट के लिए अभी हम फिबोनाची को प्लॉट करेंगे। जो यहां पे डाउन ट्रेंड था ना, इस डाउन ट्रेंड में अभी हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे। तो यहां पे मैं फिबोनाची को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड हाई को लो के साथ जॉइंट कर लेता हूं एंड इसका कलर में कर लेता हूं ब्लैक। नेक्स्ट टारगेट बनेगा 195 का, पहला टारगेट 150, सेकंड टारगेट 195। लेकिन जब तक प्राइस कॉप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमको वाटर टेस्ट क्वांटिटी कैरी करना है। जब प्राइस यहाँ पे इस कॉप एंड हैंडल पैटर्न का नेकलाइन को ब्रेक कर देगा उसके बाद हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। अगर कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।